को तो उससे क्या पूछना, मैं तो उसको बस बताया था कि अपन घर के आंगन में ही रहेंगे। थोड़ा सा डरी थी मम्मी कैसे रहेंगे, हम बोला ने रह लेंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने करीब 2-3 महीना आंगन में रहे हम लोग, प्लास्टिक व्लास्टिक लगा कर एक छोटी छोटी सी झोपड़ी बना करके हम लोग घर के आंगन में रहे। हमारा घर तैयार हुआ, हमने ऐसे शुक्ला जी की यानी तिथि भी मनाई उस समय, यानी कि उनको भोग वोग लगाया। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुमाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसी बात बताने आई हूँ जो कि मैंने इस बात को शेयर ही नहीं की थी, और शेयर करना भी ज़रूरी है, पर उस समय क्या है मुझे यानी यूट्यूब से भी टॉर्चर किया गया था। कुछ थे लोग जो कि वहाँ से भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा था और यहाँ से भी लोगों ने नहीं छोड़ा था, बहुत लोगों ने इस तरीके से मुझे टॉर्चर किया था। हालांकि उस समय क्या है, वीडियो मेरी जब शुक्ला जी गए थे ना, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो कि शायद कुछ मैंने बताया कुछ नहीं बताया। तो मैंने बोला चलो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या सच्चाई है, कितनी है सच्चाई और कितना झूठ है। और जैसे कि जब शुक्ला जी गए थे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था और मेरे ना डॉलर बन रहे थे उस समय। तो डॉलर करीब यानी 100 तो नहीं बन पाया था, पर वो 80 के समथिंग था। तो यानी 1 महीने बाद मेरी सैलरी आने ही वाली थी, बट ऐसा कुछ हुआ मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया। मेरा कंटिन्यू, मैं आप लोगों को पता है चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में होती हूँ, बट जो मैं अगर काम करती हूँ तो उसको कंटिन्यू रखती हूँ। मैं अपने काम को और अपने जो भी कंडीशन है या मुसीबत है उनको बिल्कुल साथ में नहीं लाती हूँ। जो चीज़ चल रही है तो चल रही है, पर मैं अपना काम बाकायदा करती हूँ। तो मैंने एक भी एब्सेंट नहीं किया था, मेरी वीडियो कंटिन्यू जा ही रही थी। हाँ, वीडियो जो जा रही थी वो दूसरे टॉपिक पे जा रही थी, बट मैंने अपने हस्बैंड की यानी कि उनके यानी जो तबीयत ख़राब चल रही थी वो चीज़ मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शेयर किया है। जैसे हम कहीं जाते आते थे तो वो शेयर कर देती थी, बिल्कुल नहीं बताती थी कि क्या है क्या नहीं है। और फिर अचानक से ये सब कुछ हो गया तो मेरा वीडियो करीब वही 8-10 दिन करीब नहीं आया। तो लोगों को यानी कि ये बात पता चलने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ है सुहाना के साथ। मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी क्योंकि मुझे समझ लो होश ही नहीं था इसके साथ ऐसा हुआ हो तो वो कैसे, मैं बस एक कोने में बैठी रहती थी। और फिर मुझे ना बहुत सारी जो अच्छी थी, जो मेरे जो अच्छी मेरी फ्रेंड्स थी, मैं इतना भी नहीं जानती थी, थोड़ी बहुत बात होती थी, बट मुझे नहीं पता था कि उस समय वो लोग मेरा साथ देंगे। और उनके कहने पे ही मैंने एक वीडियो 3 मिनट का था या 3.5 मिनट का मैंने अपलोड किया, क्योंकि करीब 30-35 लोग थे जो मेरी फ्रेंड्स थी, तो थोड़ी थोड़ी बात होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। उनके कहने पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया तो वो वीडियो मुझे नहीं पता था कि वो वायरल हो जाएगा, और वो वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोग मुझे ट्रॉल भी करने लगे कि क्योंकि जो मेरा वीडियो जा रहा था ना वो दूसरे टॉपिक पे जा रहा था, तो उसको लेकर के बद्दुआ बद्दुआ ये सब पता नहीं बहुत सारा चीज़ें। वैसे ही मैं इन सब चीज़ों को लेकर के बैठी हुई थी। अब मैं जब वीडियो अपलोड किया तो मुझे इधर उधर से यानी कॉल आने लगे, यानी कि ऐसा वीडियो अपलोड हुआ, ये तुम्हारे ऊपर एक वीडियो बना है, ऐसा है वैसा है। कई वीडियो मेरे ऊपर बने हुए थे, कुछ शुक्ला जी के लिए बने हुए थे, कुछ मेरे लिए बने हुए थे, कुछ मुझे ट्रॉल करने के लिए बने हुए थे, यानी मेरे को बुरा भला कह रही थी, कुछ थे ऐसे। और मुझे जानबूझ के, जबकि सब पता है, फिर भी जानबूझ के मुझे कमेंट किया जा रहा था उसी बंदी के अकॉर्डिंग, यानी वही कर रही थी। चलो ये सब तो बात जाने दो। फिर मेरा चैनल तो यानी डॉलर मेरे कंप्लीट हो गए, वीडियो वायरल हुई, तो मेरा क्या है जिस समय शुक्ला जी गए थे उसी समय से उसके 1 मंथ बाद से मेरा पेमेंट आने लगा था। तो उस समय मेरे को पैसों की भी ज़रूरत थी। क्या है कि एकदम से ना, कि मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ होगा। सिर्फ 13 दिन मुझे खाना यहाँ पर मिला, उसके बाद से यानी कि घर में लाइट वाइट सब बंद हो गई थी। पानी यानी कि व्यवस्था तो जाने के बाद हुई थी, बट लाइट वाइट सब बंद हो गई थी। तो आप लोगों को पता है कि मेरा यूट्यूब पर काम है, वीडियो वगैरह बनाती हूँ,
अब इनके जाने के बाद मैं सैड सॉन्ग सुनने लगी थी, और मैं ज़्यादातर वो पुराण रहते हैं तो भगवत गीता हो गया, कुछ मैं चीज़ें सर्च करने लगी थी आत्माओं के बारे में, यानी मैं दूसरे जॉन में पहुंच चुकी थी, तो मैं वो सारी चीज़ें देखती थी। वीडियो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3 दिन के अंतराल में डालती थी। मुझे कोई शौक नहीं था, मैं सब बंद कर चुकी थी कि मेरे को नहीं कुछ करना। बट जब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि बच्ची को कैसे पालूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पास जो पैसा दूसरे के अकाउंट में वो मुझे मिल जाएगा, बट नहीं मिला मुझे, क्योंकि बोला गया कि नहीं देंगे हम। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे शुक्ला जी के पर्स में सिर्फ 1200 रुपये थे। उस 1200 रुपये से जर्नी जो स्टार्ट की, आज मेरे को 3-3.5 साल हो गए हैं। आप लोग यानी उस समय से एक एक दिन मैंने वीडियो डाला है, जो तो मेरे क्या है, मेरी सैलरी बनने लगी, मुझे कॉलेब्रेशन भी मिलने लगे, प्रमोशन यानी वीडियो में करने लगी, मुझे एक वीडियो के भी कुछ कुछ अच्छे रुपए मिल जाते थे। तो उससे मैं क्या है, कुछ पैसा मैं सेव करने लगी थी और कुछ पैसा मैं अपने घर खर्च में, और ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसा देखूँ तो मैं उड़ाऊ खाऊ हूँ, बट जो मेरे को ज़रूरत था, जो मेरी बच्चे के लिए ज़रूरत था, वो चीज़ें मैंने की धीरे धीरे, और घर बनाया, ये सब किया। तो ये सब तो आप लोग देख ही लिए थे, क्योंकि घर जब मैं बना रही थी तो अब मेरे लिए रहने के लिए भी जगह नहीं थी। मैंने किराए से घर भी ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे किराए से घर भी नहीं मिला, मिला तो बहुत दूर दूर मिल रहे थे, तो मैं इतनी दूर नहीं जा सकती थी और घर बन रहा था। तो मैंने एक काम किया, मैंने चलो ठीक है अपन एक काम करते हैं, बेटी को मैंने बोला, अब बेटी को तो उससे क्या पूछना, मैं तो उसको बस बताया था कि अपन घर के आंगन में ही रहेंगे। थोड़ा सा डरी थी, मम्मी कैसे रहेंगे, हम लोग रह लेंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने करीब 2.5-3 महीना आंगन में रहे हम लोग, प्लास्टिक व्लास्टिक लगा कर एक छोटी छोटी सी झोपड़ी बना करके हम लोग घर के आंगन में रहे। हमारा घर तैयार हुआ, हमने ऐसे शुक्ला जी की यानी तिथि भी मनाई उस समय, यानी कि उनको भोग वोग लगाया और छोटी सी कथा रखी, और घर में हम लोग प्रवेश कर गए, यानी कि घर का उद्घाटन भी हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कि यानी कि किसी की डेथ के बाद 2 लाख रुपए मिलते हैं, है ना, एक संबल योजना है, एक संबल कार्ड के जरिए। बट मेरा जो ये कार्ड है बना हुआ था, तो ये करीब शुक्ला जी मई में गए हैं और जनवरी में हम लोगों के दोनों के कार्ड रद्द हो चुके थे, यानी कि हटा दिया गया था हम लोगों को उस लिस्ट से, हमको और शुक्ला जी को दोनों को। जबकि मेरा तो उस समय अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी आती थी सिलेंडर वाली, 200 रुपये या इतना कुछ आता था, 200-300 से ज़्यादा मेरे अकाउंट में रहता नहीं था उस समय। और शुक्ला जी के अकाउंट में यानी कि अब वो खेती बाड़ी करते थे, यानी कि दूसरे की, क्योंकि शुक्ला जी के अकाउंट में थोड़ा बहुत था ज़्यादा का, तो इस कारण से अकाउंट का लेन देन देख करके वो कार्ड जो हम लोग का रद्द कर दिया गया। तो मेरे को कोई भी 2 लाख रुपए नहीं मिले। लोगों को लगता है शायद वही 2 लाख रुपए मिला हुआ है तो मैं बहुत उड़ा रही हूँ खा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जो प्रमोशन वीडियो आते थे, तो प्रमोशन वीडियो ऐसे होते थे कि आपको उसमें दो कैटेगरी रहते थे, कि आपको मेकअप से रिलेटेड या फिर आपको ब्यूटी से रिलेटेड या फिर फैशन से रिलेटेड आपको शॉपिंग करनी होगी। तो मैं बहुत कोशिश करती थी, मेरे को कोई ओढ़ने पहनने का, मेकअप करने का कोई भी शौक नहीं था ना, आज है आप लोग देख सकते हो। बट मेरे को जब वहाँ पर जैसा काम रहता तो उनके अकॉर्डिंग ही करना होगा। फिर भी मैं बच्ची के कपड़े ले लेते थे, मैं अपने कपड़े ले लेते, और फिर उसको प्रमोशन ऐसे ही रहता कि भाई उनके प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर शो करेंगे, पहन के दिखाएंगे। अब रोते हुए तो साड़ी हम दिखाएंगे नहीं, वेयर करके ही दिखाएंगे, अच्छे से पहन के, थोड़ा बहुत मेकअप भी करना होगा कि उनकी साड़ी अच्छी दिखे। तो हमने कुछ ऐसे प्रमोशन किए कंटिन्यू, यानी करीब 1 साल तक हमको ऐसे प्रमोशन मिलते रहे, ब्यूटी से लेकर के और किचन से भी लेकर के, और यही सब मिलते रहे। तो मैं करती रही अपना काम, मैंने किया, क्योंकि उससे देखो 2 पैसा मैं कमा भी रही थी, प्रमोशन भी हो रहा था और बच्ची, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर लोगों को लग रहा था कि शायद मैं, मुझे ये सब पैसे मिले हुए हैं वो जो योजना की तरफ से, तो मैं वो पैसे उड़ा रही हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ, आप लोग जांच करवा सकते हैं कि मेरे मेरे पास कोई भी ऐसा कार्ड नहीं था, था तो रद्द हो चुका था। शुक्ला जी मई में गए हैं, जनवरी में वो कार्ड दोनों रद्द हो चुके थे। उस कार्ड का रद्द होने का हमको नहीं पता था कि उस कार्ड से ऐसा कुछ कुछ होता भी है ना।
और वो रद्द भी हुआ तो हम लोगों ने इतना माइंड भी नहीं लिया कि हो गया बाद में देख लेंगे बाद में बनवा लेंगे, हमको कुछ भी नहीं पता था और ना हमें कोई राशि मिली, कोई भी राशि नहीं मिली। हाँ मैंने जो विडो पेंशन रहता है वो भी मैं पीछे का, आप लोगों ने देखो घर नहीं बना था तो मैं बाहर यहाँ सामने से ना जा कर के मैं पीछे से गेट से गई थी। मैंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड वगैरह जो भी है तो उस चीज़ों को मैं लेकर के गई और मैंने विडो पेंशन का खुद अपने से, क्योंकि मुझे बोला गया कि वो पेंशन का अभी आप फॉर्म भर दोगे तो आपका पेंशन आने लगेगा। ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं मिलता है, 600 मिलता है, पर फिर भी मैं पीछे के गेट से लोगों के डर से, जो हमारे थे यहाँ के लोग जो उपस्थित थे यहाँ पर, तो उनके डर से मैं पीछे के गेट से गई, क्योंकि तुरंत तुरंत यानी 1 महीने के अंदर बनाना होता तो मैं गई भी बनाने को। मेरे को यहाँ पर बस यही बात क्लियर करना था कि मुझे कोई भी 2 लाख रुपए नहीं मिले हैं और मेरी जो भी है मैंने खुद से अपने से मेहनत की है और खुद से, आप लोगों ने मेहनत तो देखी है, मेरा एक दिन भी वीडियो मिस नहीं होता है, डेली जाता है। और धीरे धीरे मेरा क्या है वीडियो का जो ग्रोथ था ग्रो करना बंद कर दिया और चैनल भी डाउन होता गया जो अभी तक है। बस क्यों, रीज़न ये है कि जो अगर जो किसी ने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे, हमने ऐसा पहना है, हमने ऐसा खाया, हमने ऐसा बनाया, हम इधर जा रहे हैं, हम इसके यहाँ जा रहे हैं, या हमारे ये साथ है तो लोग क्या कहेंगे, तो उसका यानी कि कुछ नहीं होने वाला। और हमने यही किया, हम हमेशा लोगों के बारे में सोचते रहे और हमने कुछ सच्चाई बताई ही नहीं यहाँ पर। अगर हम बता देते तो हमारा चैनल भी अच्छा चलता, और क्योंकि देखो हमने उनके बारे में सोचा, हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई यहाँ पर, छड़ काट रहे हैं, तो हमारा चैनल भी ऐसे ही डाउन हो गया और हम बस ऐसे ही अपना काम धाम बताते रहे। अगर देखो वीडियो जो वायरल हुई थी, ऐसा नहीं कि एक ही हुई थी, बहुत सारी वीडियो ऐसे यानी अच्छे ग्रो करने लगी थी, बट जो सच्चाई मैं बता रही थी वो लोगों को जानना था। मैंने बीच में ब्रेक लगा दिया कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए डाउन होता गया है ना, बस यही लोगों के कारण। मैंने बस मैं अपना रूटीन दिखाती रही दिखाती रही, तो आज मेरी ये कंडीशन है। मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला है, मैं बता दूं जो भी है आज मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। शुक्ला जी के पर्स में सिर्फ 1200 रुपये थे, 1250 रुपये थे, 1500 रुपये एक दिन पहले थे उनके जाने के, उनका ट्रीटमेंट जो करवाया 200-300 रुपये लगे थे, 1250 रुपये बचे थे, मुझे इतना याद है। आज भी उनका पर्स है ज्यों का त्यों मेरे पास रखा हुआ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। 1250 से आज मैं यहाँ पर हूँ, सब कुछ चेंज है मेरा, भगवान की कृपा से है और शुक्ला जी की कृपा से है, क्योंकि वो है अभी और दुनिया की नज़रों में, सबकी नज़रों में वो नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो है। मुझे धक्का देते हैं कि तू चल आगे, मैं पीछे हूँ, चिंता मत कर, तो मैं चलते जाती हूँ। जल्दी जल्दी में मैंने ये चीज़ बताई है, ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी था, है ना। कई लोग पूछते हैं घर कैसे बनाए, घर कैसे बना, तो घर जैसे भी बना हो, जिनको पता है तो पता है, और मैं ज़्यादा शो नहीं करना चाहती कैसे बना कैसे नहीं, बस इतना मैंने शॉर्ट में बता दिया, इतने में आप लोगों के लिए काफ़ी है, समझ जाओ। सबके लिए, जो मेरे अपने हैं उनके लिए भी काफ़ी है, और जो लोग जानना चाहते थे जिनको नहीं पता था उनके लिए भी ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक है, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।